तुम भी डाल दे, दो जने पकड़ो, दो दो जने भर रहे हैं यहां से पानी। ये सास की एक हुआ है या नहीं जी? सास की एक हुआ है, लेकिन सरपंच साहब पता नहीं लगन देते ये सास की ये है। ये तो ये बोलते हैं कि हमारा निजी है, मोटर चला एक ट्यूबवेल लगो तो 4-5 साल पहले जिसमें मोटर फंसी हुई है तो वो चालू भी नहीं पा रहा। जहां एक ओर सरकार प्रति परिवार को पर्याप्त शुद्ध पानी उपलब्ध करने का दावा कर रही है, वहीं रायसेन जिले की निलवार गांव में 3 साल से नल जल योजना का काम चल रहा है मगर आज भी अपूर्ण है, जिसके कारण गांव के 395 परिवार के लोग गांव के बाहर बनी बावड़ी का गंदा पानी पीने से मजबूर हैं। हम 10 साल से तो रह रहे हैं और पानी पी भी है नन्या, और नहीं तो कोई बोर है, एक बोर हतो तो सरपंच साहब ने DP भी उतरवा लाई, मोटर ही हरवा लाई और DP भी उतरवा लाई, सो पानी पी भी नन्या। अब पी रहा है हमारे एक कुगा को सुबह में सोंगरा लोड़ रहे हैं, कुत्ता हो भाई में हमारे पी रहा है, छान छान के पी रहा, तब भी बीमार हो जाते हैं। 150 गांव घर की बस्ती है, एक ही नल है, होते अभी पानी नहीं पी पाए, अब तो एक नल को काफी, सब गांव है परेशानी। ये परेशानी कब से है? हमारे यहाँ जब से बसी का हुई है 12-13 साल से। अभी आप कहाँ का पानी पी रहे हैं? पानी का हम लोग कुगा को पानी पी रहे हैं, वो भी खिसला हुआ है। स्कूल में पानी की व्यवस्था है बच्चों को? बच्चों की कोई व्यवस्था नहीं, अपनी अपनी बाटल अपने अपने घर से ले आते हैं। और टीचरों को? टीचर भी अपनी बाटल ले आते हैं, या खाना हमारी मजबूरी में दे देते, उन्हें खाना बनाने पीने से भी मजबूरी में दे, गाँव को कोई नहीं, हैंडपम्प के प्रस्ताव देता है बहुत मतलब तक नहीं लगा, 2 साल तो हम ही हो गई थे, 10-12 साल साल मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूं कि आप हमारे ब्लॉक के बेगमगंज के PHE इंजीनियर AK गुप्ता जी मोबाइल नंबर 9425451159 इस नंबर पर कॉल करें, जिससे गांव की अधूरी नल जल योजना शुरू हो सके। मैं संगीता, ग्राम डलवार, विकासखंड बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहट के लिए।